अभी जैसा आपको एक वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि जो परिजन है यानी जो जिनको गोली लगी है उनके साले साहब अंदर जाना चाह रहे थे कि अंदर पुलिस भी है और डॉक्टर साहब के बीच, संजय सिंह साहब के बीच क्या बातचीत हो रही है, इस बातचीत को जानना चाह रहे थे। तो उनके साथ देखिए आप किस तरीके का मिसबिहेव किया गया है, उनके साथ मारपीट की नौबत आ गई है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था लेकिन वो आदमी दमदार मर्द आदमी था और अपनी काबिलियत और अपनी हिम्मत के बल पर अंदर चला गया है, जो अभी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जो गोली जिनको लगी वो कौन है आपके? जीजा जी। क्या लगता है क्या हुआ है आपको? सूचना क्या मिली? फोन किया था मुझे। क्या बताया? उसने कहा कि थोड़ा वहाँ चले जाओ, थोड़ा चोट लगी है उनको, मुझे ये नहीं पता गोली लगी। मुझे आता तब मुझे पता चला कि उनको गोली लगी। मैं यहाँ पे गार्ड से पूछा, गार्ड भी कोई कह रहा है कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो लंबा लंबा गाड़ी मुझे लगाया उसको, उसने कुछ नहीं बताया। आप मिले थे उनसे? नहीं मिला किसी से, नहीं हुआ, नहीं जाएगी अंदर तब पता चलेगा क्या अंदर क्या क्या अंदर क्या नहीं। अभी आपके जीजा जी की स्थिति क्या है, क्या बताने डॉक्टर? मुझे कुछ पता नहीं, बात नहीं किया अंदर क्या चल रहा, कोई बता नहीं रहा, बता नहीं रहा। आप लोग जाएंगे तब ना पता चलेगा, आप लोग बनता अंदर जाने का ना। कम कीमत कर रहा है यार, अरे उनको अंदर जाने से क्यों रोक रहे थे? मतलब उनके साले उनसे आता पाए कि ना बता के क्या वजह थी? कौन बोला है आपको रोकने के लिए? आप लोगों को रोका गया क्या अंदर जाने से? हैं? क्यों नहीं अंदर? कहाँ जा रहे हैं बताइए? आप लोग हाथा पैर पे हम आता हो गए। कहाँ गया दूसरा? ये कैसे को क्या हो गया भाई? क्या हो गया था? हेलो, कहाँ दूसरा क्या? क्यों गोली मारे थे, क्या वजह थी? हाँ इधर देखिए, क्या मामला था? कुछ मामला था क्या? पुरानी दुश्मनी थी या कोई नया मामला था? यहाँ देखेंगे आपकी जिनसे गोली चली, जिनकी बंदूक से, उनको कोतवाल साहब, शहर कोतवाल साहब इनको अपनी गाड़ी में बैठाल करके कोतवाली भेज रहे हैं और किस तरीके की कार्रवाई हो रही है सारी चीजों से आपको अवगत कराएंगे। आज हमारे साथ जो है गार्ड सोनू विश्वकर्मा जो है वो हमारे साथ जा रहा था, तो उसमें जो है उसको उसकी जो डबल बैरल गन थी वो गिरी अंगीर के और विवेक सिंह को लग गई, लेकिन वो पेट में लगी सुपरफिशियल। हम लोग उसको तुरंत उसको दे ओटी में और अभी उसको ऑपरेशन छोटा ऑपरेशन था, वो अब खतरे से बाहर है। कुछ ऐसा नहीं अब वो हमने बता दिया, वो लड़का सॉफ्टवेयर वाला है, कोई गायब करने की जरूरत नहीं। हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ रहेगी हमारे लिए भी अच्छी है, अगर कोई जानकारी रहेगी तो वो कोई गायब नहीं है। हाँ वो कुछ कैमरा जो गड़बड़ था उसको मैंने जो उसका सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट है उसको खुद हमने बोला है कि उसको पता करिए, मांग किया कि नहीं उसको, कोई गायब क्यों करेगा? अच्छा ठीक है, हम पोस्ट करके आरोप है कि चुनाव करके जो है साक्ष्य मिटाया जा रहा था गोली का, हम लोग जो है उसको तुरंत कोठी में ले जाके उसकी जान बचाएं। वो जो प्रमुख था वो खतरे से बाहर है। और डॉक्टर साहब साक्ष्य मिटाने का जो आरोप है इसके लिए क्या है? डॉक्टर साहब साक्ष्य मिटाने की बात थी। आप देखेंगे डॉक्टर साहब आए हैं और अपना बयान दे करके जरूरत भर का आपने बयान देकर चले गए हैं, लेकिन जबकि बताया गया है कि साक्ष मिटाने की कोशिश की जा रही थी, गोली का निशान मिटाने की कोशिश की जा रही थी और ये निशान मिट चुका था, लेकिन वहां पर प्रशासन ने मौके पर जाकर के सील कर दिया है, जो उनका सीसीटीवी रूम था उसको सील कर दिया है। साथ ही ये भी बड़ा आरोप है कि डीवीआर गायब है। इन सारी चीजों का जब जांच होगी तो सारी चीजों को स्पष्ट होगी, सारी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल हम आपको ये दिखाते हैं जो कंडीशन यहाँ पर है। सीओ साहब ने क्या कहा ये सुने। सर क्या गोली कांड का मामला हो गया? अभिषेक भाई का मार रहा है तो मिलों में से कोई घायल ना हो जाए सर। सर किस तरह क्या है? सर ये थोड़ा सर नीचे क्या पूरा मामला हो गया? सर क्या पूरा? एक शारदा नारायण हॉस्पिटल जो मऊ में है वहीं पे एक जानकारी मिली पुलिस को कि गोली चली है, तो जिसमें बाद में मौके पर तत्काल ही जो है पुलिस पहुंची, मैं भी मौके पर तत्काल पहुंचा, तो उस दौरान मालूम चला कि जिसको गोली लगी है उसका डॉक्टरों ने तुरंत ही जो है कि इलाज करना शुरू कर दिया।
फिर और आगे जानकारी जब पता किया गया तो इसमें प्रथम दृष्टया जो प्रबंधन द्वारा बताया जा रहा है कि एक साथी जो ये सुरक्षाकर्मी है इनका जो प्राइवेट है वो गन लेकर जा रहा था और सीढ़ी से उतरते वक्त जैसा उनके द्वारा बताया गया कि वो गन उनके द्वारा जो हाथ से छूट गई और गिर के चल गई जो जाकर सामने किसी दूसरे जो है कि सुरक्षाकर्मी को जो है कि लग गई। सर सीसीटीवी का डीवीआर गायब है, लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा जो इनका जो सर्वर रूम है उसको हम लोगों ने अभी सील कर दिया है तत्काल, क्योंकि उसका इलाज चल रहा था तो प्राथमिकता उस वक्त थी। अभी फिलहाल उनका सीसीटीवी जो है कि कैमरे का जो सारी चीजें हैं डाटा वगैरह हम लोग उसका अवलोकन करेंगे बाद में। अभी तुरंत सर किसी को हिरासत में लिया गया है? हाँ देखिए, जिसके द्वारा जो है कि गोली चलाई गई है वो हमारे जो है कि उसमें है, उसको पकड़ा गया है और पूछताछ उसे की जा रही है। अभी क्या स्थिति है, घायल की क्या स्थिति है? घायल की स्थिति अभी जो डॉक्टरों ने स्वयं बताया है, यहीं के डॉक्टर जो सर उन्होंने बताया कि वो स्टेबल। सर असल आग किसके नाम है? असल की जांच की जाएगी कि किसके नाम से हो क्या। सर बेसमेंट में भी काम चल रहा था इनका, बेसमेंट में भी सर? नहीं देखिए, प्रथम दृष्टया मामला इस समय जो है उसको देखिए, बेसमेंट वगैरह का तो अभी सर दोनों गार्डों के बीच में भी कोशिश की गई थी क्या? सारी ही चीजें अब जो जांच की विषय हो गई है जो हम लोग देखते रहेंगे और जांच करते रहेंगे। प्रथम दृष्टया उसकी मामला जो है स्टेबल है। ठीक, थैंक यू।